वन वेलकम टू सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा साइबर जिम वर्कशॉप जो चल रही है उसका थर्ड सेशन रहेगा और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरव्यू देखने वाले हैं टॉप सिक्योरिटी वर्नबिटी एंड एक्सप्लोइ रिपोर्टेड बाय फायर शार्क साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मीनिंग फायर शाख ने बहुत सारी वर्नबिटी एक्सप्लोइ मतलब यहाँ पे काफी सारे निकाले हैं काफी सारी वर्नबिलीज uh, के लिए रिपोर्ट करा है और और लाइक हमारे नितीश सर हैं जो कि बग बाउंटी और, आ, ये को फाइंड आउट करते हैं और भी हमारी टीम है सो so, उसके बारे में हम ब्रीफ देखने वाले हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कौन कौन सी वेबिटीज बेसिकली हम हा, हमारे यहाँ से रिपोर्ट करी गई है तो वो शुरू करते हैं और उससे पहले आ, मतलब वीज पे लेके ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बग बग बाउंटी बाउंटी प्रोग्राम या फिर बग बाउंटी ये सब चीजें होती क्या हैं सो so, uh, uh, हम uh, काफी सारी क्योंकि हमारी चीजें डिजिटलाइज हैं ये हमने पहले भी पढ़ा है ठीक है uh, डिजिटलाइज हैं सारी चीजें चाहे हमारी एप्लीकेशन है नेटवर्क uh, सॉरी नेटवर्क uh, कैरी में लाइक हमारे जो वेब वै, वै, एप्लीकेशन वगैरह हैं तो उनमें क्या होंगी वर्ल्बिटीज होंगी ठीक है कोई ना कोई लूप होल छूटा होगा डेवलपर्स ने उनको डेवलप करा है तो उनमें हो सकता है कि कोई वल्नबिलिटी छूट गई हो तो उन वलनबिल उन लूप होल की हेल्प से क्या जो अटैकर्स होते हैं या फिर जो अनुथराइज जो लाइक एक्सेस जो होता है वो गेन करा जा सकता है ये सीना रहता है तो बेसिकली पेन टेस्टिंग हम कहें या फिर बग बाउंटी कहें तो एक ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें जो पेन टेस्टर्स होते हैं या फिर बग बाउंटी करने वाले इस फील्ड के अंदर जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं जो कंपनीज के नेटवर्क को नेटवर्क पे पेन टेस्ट करते हैं या फिर हो सकता है उनकी वेबसाइट पे खासतौर पे हम वेबसाइट की बात करते हैं या फिर बिल्कुल जरूरी नहीं है वेबसाइट के अलावा नेटवर्क पे भी पेन टेस्टिंग होती है वेबसाइट पे क्या करी जाती है पेन टेस्टिंग करी जाएगी टेस्टिंग करी जाएगी एक तरह से ठीक है उसमें क्या करा जाएगा वर्ल्बिटीज फाइंड आउट करी जाएंगी हमारी कुछ नॉन वलनबिटीज होती हैं जिसको हम ओवास्प टॉप टेन वर्ल्बिटीज बोलते हैं ये हमारी डिफाइंड वेल डिफाइंड वर्नबिटीज हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वलनेबिटीज हो सकती हैं लूप होल तो कोई भी हो सकता है ठीक है लूप होल आप सिर्फ इतना सा समझ सकते हो लाइक अगर आपको कहीं पे भी एक गेटवे वे चाहिए कि कहीं पे भी एंटर करने के लिए गेटवे चाहिए तो वो वहां पे लूप होल आप उसको बोलोगे ठीक है तो ये सिनेरियो रहता है अब उन या तो हो सकती है, जो हमारी well 10, uh, 10 है वो हमारी हो सकती है वो कोई uh, उस पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर वो वर्णबिटी मिल जाए या फिर जरूरी नहीं है उसके अलावा भी कोई वर्णबिटी मिल जाए तो वो सारी टेस्टिंग करी जाती है अगर कोई वर्ण मिल जाती है वहां पे तो उस वर्णबिटी की वहां पे सेवरिटी चेक करी जाती है कि वो कितने लेवल की वो उसका लेवल कितना है उस वर्णबिटी का मीनिंग हो सकती है कि वो लो लेवल की वर्णबिटी हो हो सकता है वो हाई लेवल की वर्णबिटी हो और हो सकता है वो मीडियम लेवल की हो अब ये लेवल्स क्या होते हैं मीनिंग की देखो जो हाई लेवल वर्ण होगी उसका रिस्क भी बहुत हो ज्यादा होगा वेनेबिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल की है यानी वो बहुत ज्यादा डेंजरस इम्पेक्ट डालेगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लाइक uh, नेटवर्क like पे या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे आप कह सकते हो वो काफी तरीके से हो सकता है वो रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है या फिर काफी तरीके से सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है काफी तरह का वो रिस्क हो सकता है तो उस वलनेबिटी को तभी के तभी रिजोल्व करा जाना चाहिए ठीक है ये सीनेरियो रहता है देन हमारी मीडियम लेवल की है अब मीडियम लेवल की भी वलनेबिटी अच्छी खासी होती है ऐसा नहीं है कि उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे लेकिन जो हमारा हाई लेवल की या फिर उसको हम क्रिटिकल वर्नबिटी बोलते हैं उस वर्निबिटी को तुरंत तभी के तभी रिजोल्व होना चाहिए मतलब उसका रिजोल्व होना तभी के तभी बहुत जरूरी है और हमारा जो मीडियम लेवल की वेलबिलिटी रहेगी उसको थोड़ा सा मतलब तो कुछ घंटे मतलब तो कुछ टाइम लेके तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ऐसे नहीं कि वन वीक टू वीक और वन मंथ लिया नहीं लाइक जो हमारी हाई वेनेबिलिटी है हाई लेवल वेलनेबिलिटी है उसके कंपेयर में कुछ एक दो घंटा ज्यादा ले लिया बट उसको भी रिजोल करना बहुत जरूरी है मीडियम लेवल की भी अदरवाइज वो भी डेंजरस होगी फिर हमारी ये लो लेवल विटी लो लेवल एवलेबिलिटी कितना रहेगी वो लाइक उसके बहुत कम इम्पैक्ट होते हैं बहुत ही कम होते हैं अगर रिजोल्व ना भी करी जाए तो कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं लेकिन क्योंकि वो वर्ण है तो क्यों ही उसको छोड़ना है क्या पता कुछ हो ही जाए मतलब कुछ इम्पैक्ट हो तो मतलब लेकिन उसके लिए टाइम लिया जा सकता है थोड़ा मतलब टाइम लेके उसको रिजोल्व करा जा सकता है तो ये सीनारो रहता है ये हमारे वर्ण का सीनारो रहता है

और वहां से हॉल ऑफ फेम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और इस, इस तरीके से रिवॉर्ड्स वगैरह मिलते हैं सो so, बग प्रोग्राम यू, और यू कैन से ऑल्सो वेटी रिवॉर्ड प्रोग्राम आप बोल सकते हो कई कई ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं हॉल ऑफ फेम के बजाय आपको मतलब मनी ऑफर करती हैं रिवॉर्ड मिलते हैं लाइक आपको लाइक रिवॉर्ड्स के रूप में टी शर्ट वगैरह उनकी मिल गई है फॉर एग्जाम्पल बीबीसी की कोई बीबीसी या फिर जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उनकी तरफ से बग क्राउड की कोई टी शर्ट मिल गया है फिर मतलब तो इस तरीके से रिवॉर्ड्स हो सकते हैं तो ये इसके अंदर रहता है और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ये सारी चीजें भी रहती हैं अगर हम पेंटेस्टिंग वगैरह की बात करें पेंटेस्टिंग की बग बाउंड्री की और इसमें कुछ सर्टिफिकेशंस भी होते हैं वैसे तो ओ एस पी हमारा सॉरी ओ एस सी पी का हमारा सर्टिफिकेशन होता है ऑफ कोर्स वो बहुत बेनिफिशियल है करियर के लिए लेकिन अगर आ, हम बात करें ये हमारे बग बाउंटी और पेंटेस्टिंग वगैरह की और होलो फेम ये सारी चीजें ये मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा अच्छी अच्छी खासी नॉलेज इससे हो जाती है और दूसरा क्या होता है रिवॉर्ड मिलते हैं होलोफेम या फिर आ, ये रिवॉर्ड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन टाइप की चीजें अगर मिल जाती हैं तो ऑफ कोर्स लाइक करियर में आपकी मतलब जॉब हाइक या फिर जो प्रोफाइल है वो बहुत हाईफाई हो जाएगी और लाइक like, आपके जो ज, आ, जो मनी वाइज सैलरी वाइज भी रहेगा आपका पैकेज भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है ऑफ कोर्स आपके सर्टिफिकेशन का भी फायदा आपको मिलता है लेकिन एज कंपेयर टू दीज

अः ये ये चीजें परफॉर्म करते हैं यहाँ पे और खास तौर पे हमारे नितेश सर हैं नितेश सर अम्म जो हैं उन्होंने काफी सारी वल्नबिटीज फाइंड आउट करी हैं ऑफ कोर्स वो बहुत सारे होल फेम है वो इतने ज्यादा हैं होल फेम और सारी वेनेबिटीज में आपको बहुत सारी तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि एक घंटे का सेशन रहेगा तो लेकिन वन बाय वन थोड़ा थोड़ा हम देख देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन सी वो वलनबिटीज हैं तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमारा होलो फेम है मैं तो इनके अलावा भी वो सारे होलो फेम्स यहाँ पे मैंने सारे लिए नहीं है बट तो हम अब बात करेंगे इनकी ठीक है तो होलो फेम बेसिकली क्या है जो हमारी बड़ी जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इस तरीके के प्रोग्राम रखती है और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो टेस्टर्स होते हैं पेन टेस्टर्स होते हैं बग बाउंटी वगैरह जो परफॉर्म करते हैं वो उनके लिए यहाँ पे होता है तो वो वो यहाँ पे क्या करेंगे उनके वेबसाइट में क्या करेंगे वनबिटीज निकालेंगे और एज अ रिवॉर्ड उनको होलो फे मिलता है ठीक है तो ये हमारा रहता है अब देखो वेबसाइट नेम यहाँ पे एक हमारी ये वेबसाइट है और आ, आ, और इसका मतलब कंपनी नेम क्या है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कंपनी नेम है ये ड्रेगजल यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ये कंपनी का नेम है और बेसिकली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन टाइप है वो क्या है प्राइवेट है ये हमारी और कंट्री क्या है यूनाइटेड स्टेट वल्लबिटी वल्लबिटी बेसिकली ये मेन चीज है यहाँ पे वल्लम कौन सी फाइंड आउट करी गई है इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर ये वल्लबिटी uh, यहाँ पे फाइंड आउट करी गई है होलो फेम हम यहाँ पे देखेंगे भी ठीक है और हमारा ये है वर्नबिटी यू ठीक है ये हम सब चीजें देखेंगे और यू आर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन छोटा सा description देना चाहूंगी इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर के बारे में इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर वर्नबिटी क्या होती है तो इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर इसको हम इन्फॉर्मेशन लीकेज भी बोलते हैं ठीक है इन्फॉर्मेशन लीकेज यानी इन्फॉर्मेशन के लीकेज हो रही होगी क्या होता है इन्फॉर्मेशन मतलब छूट कोई, कोई, रही हो मतलब कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी अनुथराइज पर्सन को दिख रही हो लेकिन अन इंटेंशन क्या हो जाता है वहां पे छूट जाती है आ, तो वहां से क्या हो रही होगी रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो रही होगी वेबसाइट पे

उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो वो अपनी स्किल्स का यूज करके बेसिकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन uh, लीक uh, यहाँ पे चेक करते हैं तो ये यह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर का यहाँ पे वलनबिटी मिली है मीनिंग यहाँ पे कोई सेंसेटिव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करी गई थी तो इस uh, तो ये हमारी वलनबिटी थी और एक बार हम होलो फेम को भी चेक कर लेते हैं और इसमें आ, किस किस टाइप की हमारी यस yes. तो ये हमारी यहाँ पे वलनेबिटी फाइंड आउट करी गई थी फेम गाइज यहाँ पे हमारी वर्नबिटीज जो है वो फाइंड आउट करी गई थी जस्ट गिव सेकंड ओके द इंटरनेट साइट रिपोर्ट दैट द आइटम यू कुड नॉट फाउंड ओके यहाँ पे आ, अभी के लिए यहाँ पे फाइंड आउट नहीं हो रहा है लेकिन यहाँ पे ये जो हमारी कंपनी नेम है यहाँ पे हॉल ऑफ फेम मिला है और हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज़र के लिए यहाँ पे ओके okay. तो सेकंड ओके आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कोई नहीं हम देख लेंगे अभी तो ये हमारा है और uh, इसमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में ओके okay, ये हमारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर में और uh, चीजें क्या होती हैं बेसिकली डेटा अबाउट अदर यूजर मतलब जो यूजर नेम्स वगैरह होते हैं ना यूजर नेम्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह वो डिस्क्लोज हो जाती हैं और सेंसिटिव कमर्शियल और बिजनेस डेटा भी यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाता है गाइस यहाँ पे छोटी सी ये प्रॉब्लम नहीं है बट ये चीज हो सकती है ये जो हमारे जो होलो फेम्स है जो भी वेलबिलिटी रिपोर्ट करी गई है ये एक्चुअली काफी टाइम पहले करी गई है मतलब करी गई थी तो हो सकता है कि अब ये पेज ये जो ये पेज जो है ये फाइंड आउट ना हो क्या पता उन्होंने अपने बग फिक्स कर दिए हो ठीक है तो इस वजह से ये हमारी शो ना करें लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं होगा ठीक है तो वन बाय वन हम देखेंगे अभी और एक और हमारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए ही होलो फेम था जो कि फिलिप्स के अंदर हमारा निकाला गया था कंपनी नेम क्या फिलिप्स है और ऑर्गेनाइजेशन क्या प्राइवेट है कंट्री हमारी नीदरलैंड रही थी और वेबसाइट नेम हमारा ये हो गया और एक बार हम होलो फेम के लिए चेक कर लेते हैं ओके okay, होलो फेम ऑनर्स मी चेक यहाँ पे हमारे नितेश सर का भी नेम है एक्चुअली बहुत बड़ी लिस्ट है गाइस यस yes, ये ये हमारे नितेश सर है इन्होंने इस uh, बेटी uh, को यहाँ पे रिपोर्ट uh, करा है और इनका भी यहाँ पे होल ऑफ फेम में नेम आया है ठीक है तो कई केसेस में हो सकता है वेबसाइट ना ओपन हो क्योंकि uh, कुछ एरर की वजह से भी हो जाता है लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ठीक है तो ये हमारे निर्देशन ने यहाँ पे रिपोर्ट कर रखा है और वल्ण का भी यहाँ पे यू है अगर हम वो चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं और बेसिकली ये सब चीजें लाइक वर्ण बेटी और ये सारी चीजें करने के लिए हमारे पास मतलब हमको थोड़ा सा इसमें लर्निंग अच्छी खासी करनी पड़ती है ठीक है वाइल्ड अगर वर्ण फिक्स नहीं करी गई होगी तो हमको इजिली अवेलेबल होगी और दिख भी जाएगी बेसिकली अदरवाइज फिक्स हो गई होगी तो नहीं दिखेगी Wait a minute, guys. सॉरी ये थोड़ा सा हैंग हो गया है तो ये हमारा था ठीक है और मैं इसको ना लास्ट में ये सारी चीजें बताने के बाद आपको एक बार सारे यूआरएल चेक करा दूंगी क्योंकि आई थिंक ये साथ साथ चलाने में ना थोड़ा हैंग कर रहा है सिस्टम तो नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं एक हमारा ब्लाइंड एक्सेस ठीक है ब्लाइंड एक्सेस हमारी वर्ल्बिटी है एक्सेस बेसिकली स्टैंड फॉर क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग अब क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है और ये देखो यहाँ पे कंपनी नेम आप देख सकते हो बीबीसी न्यूज के अंदर यहाँ पे वर्नबिटी uh, रिपोर्ट करी गई थी ऑफ फेम यहाँ पे मिला है और बीबीसी न्यूज uh, आप जानते हो कि काफी फेमस uh, हमारा है ठीक है तो वहाँ पे ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है प्राइवेट है ठीक है और आ, और हमारा कं, कंट्री क्या है यूनाइटेड किंगडम है ब्लाइंड एक्सेस है है बेसिकली स्क्रिप्टिंग होती और उसी का एक टाइप हमारा है ब्लाइंड एक्सेस ठीक है सो so, ये हमारे क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग की तरह ही है इसमें क्या होता है इनपुट प्रोवाइड बाय अटैकर इज सेव्ड और स्टोर्ड बाय दी वेब सर्वर मतलब जो इनपुट मतलब कोई भी पैरामीटर होगा ना पैरामीटर के अंदर आ, क्या होगा हमारी स्क्रिप्ट प्रोवाइड कराई जाएगी अटैकर क्या करेगा स्क्रिप्ट डाल देगा मेलिशियस स्क्रिप्ट वो होगी जो कि वो सर्वर पे जाके क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी या फिर स्टोर हो जाएगी ठीक है और एंड दिस स्टोर्ड इनपुट ठीक है ये जो इनपुट अब जाके स्टोर होगा ना Uh, इससे क्या होगा uh, लाइक ये जब वेब सर्वर पे जाती है तो यहाँ से काफी सारी इंफॉर्मेशन मतलब जो एप्लीकेशन है न, वो काफी हमको रिवील कर देती है तो ये सीनरियोजिटी के अंदर बेसिकली रहता है और इसकी अः uh, इस मतलब काफी इसके से ना काफी डेंजरस चीजें काफी uh, यहाँ पे इसको डेंजरस अटैक भी हम बोल सकते हैं काफी सेंसेटिव इन्फॉर्मेशन रिल रिवील हो जाती है और स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर हम एक वेबसाइट है वेबसाइट पे अटैकर क्या करेगा परफॉर्म करेगा स्क्रिप्टिंग ठीक है और देन सेकेंड uh, क्या होगा अटैकर uh, मतलब अटैकर uh, ने क्या कर दिया इंजेक्ट मेलिशियस स्क्रिप्ट टू स्टील यूजर इंफॉर्मेशन मतलब जो वेबसाइट है ना उस उसपे क्या कर दी अः uh, इंजेक्ट कर दी मेलिशियस स्क्रिप्ट ताकि वो यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टील कर पाए और उसके बाद क्या होगा अब वेबसाइट पे ये स्क्रिप्ट डालने के बाद लाइक फॉर ईच विजिट टू वेबसाइट स्क्रिप्ट इज एक्टिवेटेड मतलब ये जो ये जो आपने मतलब स्क्रिप्ट डाली होगी ये एक्टिवेट हो जाएगी वेब सर्वर पे जाके और मतलब जो भी विक्टिम uh, की जो इंफॉर्मेशन है वो अटैकर को मिल जाएगी ये कुछ इसके अंदर सीनेरियो रहता है ठीक है तो ये हमारा इसके अंदर भी हमारा फॉलो फेम आया है और अच्छी खासी ये अवेलेबिलिटी यहाँ पे फाइंड आउट हुई थी ठीक है अब हमारी नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ये भी हमारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ही है इन्फॉर्मेशन लीकेज बेसिकली ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है तो आ, ये हमारा रहा और साथ में ये कंपनी नेम कौन सा था नो नो स्पैम प्रोक्सी ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन टाइप हमारा प्राइवेट है और कंट्री जर्मनी है तो ये सारे बेसिकली मैं आपको ये सारे URL भी आपको ओपन करके दिखाऊंगी आपको पता चलेगा सारी चीजों के बारे में एक बार हम एक बार थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं सारे हमारी वेबीज का और हमारे जो भी होलो फेम्स आए हैं उसके बाद हमारा क्रोसाइट सॉरी हाँ क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग ही है ये भी क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग का ही टाइप होता है रिफ्लेक्टेड क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली जो क्रोसाइट सॉरी क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग है उसके काफी सारे टाइप होते हैं उनमें से एक हमारा ये भी है रिफ्लेक्टेड क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग जिसके अंदर हमने ब्लाइंड uh, uh भी देखा था वो भी हमारा एक्सेस का ही टाइप था ओवरऑल जितने भी एक्सेस रहेंगे यानी क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग रहेगी उसके अंदर क्या होगा स्क्रिप्ट uh, क्या करी जाएगी इन uh, मतलब uh, जो अटैकर होता है वो क्या करता है वेबसाइट पे स्क्रिप्ट डालता है स्क्रिप्ट डालता है ताकि यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो वहां से स्टील हो सके ये सिनेरियो रहता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होगा इसमें मेलिशियस स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम दी करंट एच रिक्वेस्ट ये रहता है मतलब मेलिशियस स्क्रिप्ट कम्स फ्रॉम कहा से करंट एच रिक्वेस्ट से आ रही होगी ठीक है और और हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल है और ये कब होगी वेन एन एप्लीकेशन रिसीव डेटा इन एन एस टी रिक्वेस्ट जब भी एप्लीकेशन जो है ठीक है रिसीव किस टाइप का रिसीव लाइक रिसीव डेटा इन एन एस टी टीपी रिक्वेस्ट के अंदर डेटा को रिसीव कर रही होगी इंक्लूड डेटा द इमीडिएट रिस्पॉन्स इन एन अनसेफ वे ठीक है तो ये सीना मतलब है टी टी रिक्वेस्ट के अंदर ही क्या आ रही है उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही होगी ठीक है तो ये हमारा रहता है और इसके ये भी हमारा यहाँ पे होल ऑफ फेम रहा है और ये भी हमारे नितेश सर ने ही हैंडल किया है बेसिकली वैसे तो हमारी फुल हमारी पूरी टीम है लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो हमारा वर्क रहता है ओलम्पिटीज के अंदर वगैरह के अंदर वो हमारे नितेश सर ही हैंडल कर रहे हैं और उसके बाद हमारा है एक और वेबसाइट नेम हमारी दिख रही है आ, ये एस्ट्रिक डॉट दी क्रैग डॉट कॉम और कंपनी नेम भी दी क्रैग ही है ऑर्गेनाइजेशन है प्राइवेट कंट्री ऑस्ट्रेलिया और सेम यही रिफ्लेक्टेड क्रोसाइड स्क्रिप्टिंग यहाँ पे Uh, करी गई है क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग ही यहाँ पे भी है और इसमें भी यहाँ पे आफ्टर रिपोर्ट हॉल ऑफ फेम मिला है ठीक है तो ये हमारा है उसके बाद uh, ये भी हमारी रिफ्लेक्टिव uh, uh, स्क्रिप्टिंग ही है और ये हमारी वेबसाइट uh, नेम हमारा है एप्स डॉट यूनिप डॉट ओ आर जी एंड कंपनी नेम यूनाइटेड नेशन ये हमारा है ठीक है और ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन टाइप गवर्नमेंट है और मतलब गवर्नमेंट साइट के अंदर निकाली है वल्ल और कंट्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स है वल्ल रिले ये हमारा मैंने आपको बताया इसके अंदर भी हॉल ऑफ फेम है तो ये हमारा है और अब रिफ्लेक्टेड क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग ही हमारी एक है ये बेसिकली हॉल ऑफ फेम नहीं है जी अभी तक हमने बात करी है, सारे हॉल ऑफ फेम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे ये हॉल ऑफ फेम नहीं है लेकिन ये क्या है ये भी हमारी मतलब तो अच्छी मतलब इसमें मतलब तो कई में क्या होता है कुछ कुछ में स्वैग्स वगैरह आ जाते हैं कई में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आ जाता है और कई में यहाँ पे हॉल ऑफ फेम आ जाता है तो ये सब रहता है चीजे तो वेबसाइट नेम यहाँ पे है मतलब यूआरएल हम प्लेयर देखेंगे ठीक है और कंपनी नेम हावर्ड यूनिवर्सिटी ये मतलब मोस्ट फेमस है तो आपको पता ही होगा ऑर्गेनाइजेशन टाइप यूनिवर्सिटी है और कंट्री यूनाइटेड स्टेट है वल्नबिटी डिटेल क्या है यहाँ पे क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग ही पाई गई है तो लाइक जो अब आप देख रहे हो बहुत सारे क्रोस, क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग के ही आ रहे हैं या फिर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर इस टाइप से तो 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 एक एक चीज़ मैं आपको बताना हमारी जो होती हैं हैं जैसे non है, तो non है हमारी के है। तो उनकी एक वहां पे uh, priorities दे रखी है, मतलब लाइक uh, लाइक uh, कौन सी वर्लेबिटी मतलब एज पर कि सेवरिटी कि कौन सी वर्लेबिलिटी ज्यादा मतलब इम्पेक्ट uh, डालेगी तो उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं अगर वलम्बिटी लो लेवल की मिली है तो उसके उसके लिए शायद आपको मतलब ये सिर्फ ये ये मेल आएगा कि लाइक आपने फाइंड आउट कर लिया और मतलब आपको एक थोड़ा सा आ, 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 आपको कह सकते हैं कि थैंक यू और समथिंग ये चीजें बोली जाएंगी आपको कोई रिवॉर्ड और इस टाइप से कोई होल ऑफ फेम चीजें नहीं मिलेंगी तो और जो हाई लेवल की जो वलम्बिटीज रहती हैं उन खास तौर पे उन पे ही आपको होलोफेम मिलता है होलोफेम या फिर जो रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर मतलब काफी अच्छा अमाउंट भी मिलता है कई केसेस के अंदर तो वो उन्हीं के केसेस में होता है जब वल्नरेबिलिटीज अच्छी मतलब हाई लेवल से, से, सेवेरिटी की होती है हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज होती है उसके लिए आपको मिलता है इसी वजह से मोस्ट ऑफ दी uh, वल्नरेबिलिटीज आप देख रहे हो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टेड क्रोसाइड स्क्रिप्टिंग है या फिर इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर है इस टाइप से आप देख रहे हो तो इस वजह से ऐसा है क्योंकि ये हाई लेवल की अवेलेबिलिटीज हैं और मतलब प्रायोरिटी इनकी लाइक लिस्ट में ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे ये होलो फेम आपको देख रहे हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं ओके okay, यहाँ पे हमारा है वेबसाइट uh, नेम uh, सीधा हम कंपनी नेम ही देख लेते हैं ठीक है वेबसाइट तो हम यूआरएल uh, विजिट करेंगे तब देखते हैं कंपनी नेम है हमारे नोकिया नोकिया हमारी मतलब फेमस कंपनी ही है ठीक uh, है और ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या प्राइवेट है वल्लम क्या रही है डायरेक्टरी ट्रेवर्सल पाथ ट्रेवर्सल और फाइल कंटेंट डिस्कलोजर सॉरी गाइस तो यहाँ पे डायरेक्टरी ट्रेवर्सल वल्लमबिटी या फिर ये पाथ इसको हम कह सकते हैं फाइल कंटेंट डिस्कलोजर कह सकते हैं इसके अंदर क्या रहेगा ये किस टाइप की वल्लबिटी है ये बेसिकली एक ऐसी वल्लबिटी है और इसको हम क्या कह सकते हैं नोन एज फाइल पाथ ट्रेवर्सल इसको हम कहेंगे फाइल पाथ ट्रेवर्सल भी वल्लबेटी बोलते सकते हैं और मतलब एक वल्लमबेटी मतलब इसके लिए क्या होगा ये अलाउ करती है एन अटैकर टू रीड रीडिट सॉरी आर्बिट्रेरी फाइल्स ऑन दी सर्वर मतलब सर्वर के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फाइल्स होंगी ना वो अटैकर uh, क्या कर पाएगा एक्सेस कर पाएगा ठीक है अटैकर uh, को अलावेंस मिल जाएगी वो यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा दैट इज रनिंग एन एन एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा एक अटैकर को क्या अलाउ हो जाएगा अटैकर को क्या मिल जाएगा कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स मिल जाएंगी जो कि सर्वर पे होंगी ठीक है ये सिनेरियोस उसके अंदर रहता है और लाइक इसमें क्या हो सकता है लाइक एप्लीकेशन कोड हो सकते हैं मतलब इन फाइल्स के अंदर डेटा हो सकता है क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं बैकएंड सिस्टम के लिए या फिर सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल हो, हैं, तो मतलब हो सकती है तो मतलब काफी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है तो ये इसके अंदर रहता है किसके अंदर हमारा डायरेक्टरी ट्रेवर्सल हम कह सकते हैं पाथ ट्रेवर्सल या फिर फाइल कंटेंट डिस्क्लोजर हम बोल सकते हैं तो ये हमारा है और फिर हमारी एक वर्नबिटी है एप्पल के अंदर मिली थी एप्पल भी आ, हमारी फेमस ओ, ओ, हमारा कंपनी है ठीक है इसको भी मतलब कोई इंट्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत तो है नहीं ठीक है एप्पल हमारी कंपनी है उसके अंदर भी वर्नबिटी मिली है और स्टेट uh, हमारी यूनाइटेड स्टेट रही है और यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हमारी और जो वर्नबिटीज है, है वो क्या है ओपन रीडायरेक्शन अभी ओपन रीडर सॉरी ओपन रीडायरेक्शन क्या होता है ठीक है तो रीडायरेक्शन से आप क्या समझते हो रीडायरेक्ट करना ठीक है किसी की डायरेक्शन चेंज कर देना डायरेक्शन चेंज कर देना से आप क्या समझ रहे हो ओपन रिडायरेक्शन इन कॉर्पोरेट यूजर कंट्रोबर कंट्रोलेबल डेटा इन टू दगेट ऑफ अ रिडायरेक्शन इन एन अनसेफ वे मतलब आप किसी यू आर एल पे क्लिक करते हो लेट सपोज एन एग्जाम्पल आपने करा डब जो हमारा है फारशाक डॉट इन ठीक है इस यू आर एल पे करा क्लिक आप विजिट कहाँ पे कर रहे हो फैशाक डॉट इन पे कर रहे हो वहां पे आप लॉग इन करना चाह रहे हो सेशन के लिए और आपने क्लिक किया है और आपको इस अगर यहाँ पे ऐसी अवेलेबिलिटी है ये हमारी क्या है ओपन रिडायरेक्शन अवेलेबिलिटी मिली तो अटैकर क्या करेगा आप लिंक तो यहाँ पे फैशाक वाले पे क्लिक कर रहे हो ठीक है लेकिन आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा किसी दूसरी मेलिशियस लिंक पे या फिर वेबसाइट पे ठीक है तो वहां से हो जाओगे आप हैक ठीक है वहां से मतलब काफी नुकसान आपका हो जाएगा और ये काफी डेंजरस वी होती है ठीक है और हम ये भी कह सकते हैं अटैकर कैन कंस्ट्रक्ट यू आर एल विद इन दी एप्लीकेशन दैट रीडायरेक्शन टू एन सॉरी एक्सटर्नल डोमेन मतलब कोई एक्सटर्नल डोमेन पे ही मतलब तो आप जा कहीं रहे हो और आपकी डायरेक्शन चेंज करके आपको किसी और डायरेक्शन पे पहुंचा दिया जाएगा तो ये यहाँ पे बेसिकली सिनेरियो रहता है और कह सकते एबिलिटी टू यूज एन ओथेंटिक सिनेरियो क्या रहेगा आप बिल्कुल ऑफिशियल यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करने वाले हो ठीक है मतलब आप कोई भी फिशिंग लिंक पे एक तरह से क्लिक नहीं कर रहे हो आप लाइक कोई भी ऑफिशियल जो डोमेन है उसी पे क्लिक कर रहे हो आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन इस वर्णबेटी की हेल्प से आप रीडायरेक्ट हो जाते हो किसी मेलिशियस लिंक पे या फिर किसी मेलिशियस वेबसाइट पे आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाएगी ये बेसिकली इसके अंदर सिनेरियो रहता है तो ये वर्णबेटी भी यहाँ पे आ, क्या गई रिपोर्ट करेगी और इसके लिए भी हॉल ऑफ फेम मिला है और अब आता है सर्वर सिक्योरिटी मिस कॉन्फिग्रेशन वी और इसके लिए भी यहाँ पे मिला है और साथ में ये मिला है कंपनी कौन सी रही डेल कंपनी हमारी रही है सॉरी डेल कंपनी रही है ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है प्राइवेट है और ये हमारी है ये सर्वर सिक्योरिटी मिस कॉन्फिग्रेशन अब ये क्या सीनेरियो है ठीक है अब ये, ये क्या चीज है तो इस सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगुरेशन में क्या होगा पहली बात तो मिस कॉन्फिग्रेशन मतलब कुछ मिस कॉन्फिगर करा होगा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक नहीं होगी सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फिग्रेशन मतलब जो सर्वर की जो सिक्योरिटी कॉन्फिग्रेशन है उस, उसमें कुछ चेंज करा गया होगा उसको मिसकॉन्फिगर करा गया है उसमें कुछ वहाँ पे छेड़छाड़ करी गई है सिक्योरिटी के साथ ये हम कह सकते हैं और सिक्योरिटी और ये भी हम कह सकते हैं सिक्योरिटी मिसकॉन्फिगरेशन डिफॉल्ट है वो ठीक है लेकिन उसके अंदर कुछ मिस कॉन्फिगर कर दिया गया है ठीक है जो सेटिंग्स है हमारी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है उनको चेंज कर दिया गया है गुड सिक्योरिटी रिक्वायर्स अ सिक्योर कॉन्फिगरेशन डिफाइंड एंड डिप्लॉयड फॉर द एप्लीकेशन वेब सर्वर एंड डेटा डेटा बेस्ड सर्व एंड प्लेटफॉर्म मतलब एक अच्छी सिक्योरिटी के लिए हमको क्या चाहिए मतलब हमको सिक्योर कॉन्फिगरेशन चाहिए ठीक है लेकिन उसको क्या कर दिया गया मिस कॉन्फिगर कर दिया गया है तो वो सिक्योर रही नहीं तो ये हमारा सिनेरियो रहता है ठीक है जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें इफ डायरेक्टरी लिस्टिंग एल जो हमारी कमांड होती है इज नॉट डिसबल ऑन दि सर्वर अगर सर्वर पे डिसेबल ना करी जाए तो अगर यू आर एल के साथ कोई वेब ब्राउजर पे एल एस कमांड लिखे तो वहां पे रिप्ले आता है ठीक है एल एस डायरेक्टरी लिस्टिंग वहां पे वो दिखा देगा ठीक है अगर ये वलबिटी वहां पे हुई तो और इफ अटैकर डिस्कवर दी सेम देन अटैकर कैन सिंपली लिस्ट डायरेक्टरी टू फाइंड एनी फाइल एग्जीक्यूटेड ठीक है अगर वहां पे कोई फाइल रखी है तो वो ब्राउजर में उस डोमेन के साथ क्या लिख देगा एल एस लिखेगा मतलब डायरेक्टरी लिस्टिंग अगर वहां पे कोई वहां पे डायरेक्टरी वगैरह रहेगी फाइल वगैरह है तो वो आपको दिख जाएगी वहां पे अगर ये वेनबिटी हमारी हुई सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन तो इसके लिए भी हमको होलो फेम मिला है और एक और हमारे है ये हमारा है यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन यूनियन कंपनी नेम बेसिकली है और ऑर्गेनाइजेशन टाइप जो है वो प्राइवेट है कंट्री जो है यूरोपियन है वल्नाबिटी ब्लाइंड एक्सेस ये हमने पहले भी डिस्कस करा ये बेसिकली क्रोसाइड स्क्रिप्टिंग का ही एक टाइप है और स्क्रिप्ट जो मेलिशियस स्क्रिप्ट है वो लाइक like पैरामीटर्स में दी जाएगी ठीक है एज अ इनपुट जो अटैकर होगा उसके द्वारा और देन इससे क्या करा जाएगा जो यूजर्स वगैरह है उनकी इंफॉर्मेशन को स्टील करा जाएगा तो ये बेसिकली सिनेरियो रहता है इसके अंदर भी हॉल ऑफ फेम मिला है कहाँ से यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन से फिर हमारा फिर से आता है एक हमारा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर और ये हमारी क्या है इंजन ये हमारी कंपनी नेम है यूनिवर्सिटी है ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है यूनिवर्सिटी हमारी है कंट्री नीदरलैंड है और वल्नबिटी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है और इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ इन्फॉर्मेशन लीकेज ठीक है इन्फॉर्मेशन लीकेज यहाँ पे हो रही है ठीक है तो ये भी यहाँ पे एक वेल्नबिटी फाइंड आउट करी गई रिपोर्ट करा गया तो हो लो फेम मिला यहाँ से ओके okay. अब हम क्या रहेंगे यहाँ पे एक एक आ, मतलब बारी बारी से यू को विजिट साथ साथ मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि दिखा रही थी तो थोड़ा सा यहाँ पे हैंग होने लग गया था सिस्टम लेट्स सी यस yes. तो सबसे पहले होल ऑफ फेम पे ही चलते हैं ठीक है आई थिंक पार्टिसिपेंट्स डिस्कवर न्यू ब्लॉग्सिक्योरिटी रिस्क ओके मे बी यहाँ पे नेम शो नहीं हो रहा है बुक बाउंडी फोर वी कैसटिगेटेड यहाँ पे वर्ण पीटी के बारे में बताया गया है यहाँ पे आई थिंक नेम शो नहीं हो रहा है ओके okay? कोई नहीं नेक्स्ट में देख लेते हैं इसको बाद में देखते हैं आई थिंक ये हमने देख लिया था फिलिप्स वाला लेट्स सी वन मोर टाइम ये मैं भी मैंने आपको शो कर दिया मैंने अभी शो आपको कर रहा था ओके okay. इसका वल्लम यूआरएल आर एल देखते हैं वल्लम यूआरएल आर एल अगर अवेलेबल है तो तुमको दिखेगा वल्लम यूआरएल आर एल हमारा कैसा रहा था अगर फिक्स नहीं हुआ होगा तो इतने में हम दूसरा कॉपी कर लेते हैं और ये हमारा एक और है इसमें भी हम हॉल ऑफ फेम को ही लेते हैं ओके okay. ओके okay. तो यहां पर हम नेम देखते हैं फेम के अंदर ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर हुआ है ओके और यस yes. <coughs> ये नीतीश सर का यहाँ पे नेम है नीतिश सिंह और एक्सरसाइज वर्ण जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन के अंदर रिपोर्ट इसको करा गया था ठीक है तो ये हमारी रिपोर्ट करी हुई है और अगर हम इसकी वल्नबिटी यूआरएल और देखना चाहें तो वो भी देख लेते हैं इफ कि ये ना हुई हो यहाँ पे जो हमारी पहले वाली थी उसमें तो आ चुका है एरर नहीं एरर नहीं आया है आई थिंक ये ये हमारा क्या है जो वर्नबिटी पेज जो है ना वल्नबिटी यू वही है ये ठीक है एनआर अड वाइल प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट Okay. तो ये है और ये हमारी वलनबिटी है कौन सी लेटमी चेक ये ब्लाइंड एक्सेस ओके ब्लाइंड एक्सेस वलनबिटी फाइंड आउट हुई है और ये हमारा पेज है ठीक है ये फाइंड आउट हुआ इस तरीके से इसने शो कर रखी इंफॉर्मेशन इस टाइप से और नेक्स्ट वन पे चलते हैं ओके इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इसके लिए भी चेक कर लेते हैं

ओके okay, यहाँ पे देखो अः ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ठीक है तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है तो ये वर्ण का यू है जिसमें काफी सारी ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है यूजर्स की तो ये यह सब यहाँ पे रिवील हो रहा है ठीक है यहाँ पे वर्ण बेटी फाइंड आउट हुई है कौन सी ये इन्फॉर्मेशन डिस्कलोजर है इन्फॉर्मेशन लीकेज वाला ठीक है तो इसमें भी हॉल ऑफ फेम मिला है हमारा और नेक्स्ट वन देखते हैं रिफ्लेक्टेड क्रोसाइड ऑफ़ फेम पे ही चलते हैं और इलिट माइंड ये हमारी कंपनी नेम है ओके ओपन बुक बाउंटी अलाउ टू यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढना <coughs> पड़ेगा नेम यस श सिंह ये सर का नेम यहाँ पे नीतिश सिंह नीतिश फाउंड हिडन बग दैट माइट हैव अलाउड सम एक्सेसेस नेस्टी थिंग्स टू स्नेक इन द बग हैज बीन एक्सट्रम एक्सटर्मिनेटेड ओके और अगर हम इस पे क्लिक करें तो ओके इन्होंने लिंकड इन प्रोफाइल के साथ यहाँ पे uh, दिखाया है ठीक है तो लिंग इन प्रोफाइल के साथ इन्होंने शो कराया है बेसिकली मतलब टैग कर रखा है साथ में और वल्ण बेटी अगर हम यूआरएल देखना चाहें तो वर्ण बेटी हम देखते हैं ओके <coughs> okay. आई थिंक ये अवेलेबिलिटी वायरल यहाँ पे है चेक uh, करना पड़ेगा पता नहीं इसमें क्या अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन लेट मी चेक अगेन नो क्रोसाइड स्क्रिप्टिंग का ही हमारा था यानी पैरामीटर्स यहाँ पे जो होंगे मेलिशियस स्ट्रिंग ले रहे होंगे ठीक है तो यहाँ पे मेलिशियस स्ट्रिंग ले रहे होंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे uh, ये uh, हमारी रिफ्लेक्टेड स्क्रिप्टिंग वालेबिटी है और नेक्स्ट में चलते हैं नेक्स्ट हमारा है दी क्रैक डॉट कॉम और इसमें हमारी थी इसमें भी एक्सरसाइज थी हमारी रिफ्लेक्टेड एक्सरसाइज ठीक है इसमें भी चेक करते हैं एक बार यू आर चेक करते हैं और हम यहाँ पे देखें सीधा अगर हम सर्च करें नीतीश सिंह ये इनका <coughs> एक बार चेक करना पड़ेगा नीतीश सिंह तो है ही साथ में ओके यहाँ पे गूगल सर्च आप सिंपली करोगे तो भी आपको रेफरल मिल रहा है यहाँ से ठीक है तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो नीतीश सिंह तो यहाँ पे देखो आ, इसमें क्रेडिट एंड मतलब ये क्रैक के अंदर ये नीतीश सिंह का यहाँ पे भी नेम है सर का ठीक है उन्होंने यहाँ पे भी वालेबिटी रिपोर्ट करी है रिफ्लेक्टेड एक्सेस ठीक है ये है और हम चाहें तो वन बी टी भी यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज ही चल रहा है ओके okay. So, UN Information Security Hall of Fame, or you have a name, I have to check. पर उस लिस्ट को चेक करना पड़ेगा देखते हैं वन बाय वन काफी बड़ी लिस्ट है मिल जाएगा यहाँ पे भी एक्चुअली गाइज ये बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है तो आप देख सकते हो स्क्रोल बार भी कितना है यहाँ पे है तो मैं पूरा आपको सर्च करके नहीं बता रही हूँ बट यहाँ पे नीतीश सिंह हमारे जो सर हैं उनका नेम है उन्होंने बेटी यहाँ पे फाइंड आउट करी और हॉल ऑफ मिला भी है <coughs> तो ये मैं आपको नहीं करके दिखा रही हूँ उसके बाद हमारा ये भी हमारी वल्लम फाइंड आउट हुई थी बेसिकली यहाँ पे होल ऑफ फेम तो नहीं मिला था लेकिन वल्लम यहाँ पे भी थी तो वर्म हमारी थी एक्सेस uh, वल्नबिटी थी और ये हमारा हा, हमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर थी तो <coughs> okay, यार बेसिकली यहाँ पे आ, क्योंकि ये हॉल ऑफ फेम नहीं था तो यहाँ पे सिर्फ वल, ये जो आ, मैंने यूआरएल ओपन कराया है ये क्या है रिफ्लेक्टेड हमारे सॉरी हमारे एक्सेसेस तो क्रोसाइट स्क्रिप्टिंग की वलनबिटी पेज है हमारा जहाँ पे वलनबिटी फाइंड आउट करी गई थी हो सकता है कि अभी इसकी जो वो वलनबिटी है वो फिक्स कर दी गई हो बट ये हमारे वलनबिटी यूआरएल था हमारा और एक और हमारा हॉल ऑफ फेम था जो कि डायरेक्ट ट्रेवल्स दल पाथ नोकिया के अंदर था ये भी हमारा हॉल होल ऑफ फेम ही मिला है लेट्स सी नाउ इट विजिट वंस गाइज़ ये भी बहुत बड़ी लिस्ट मुझे नजर आ रही है लेकिन इसमें नेम जरूर है नीतीश सर का एक दो लिस्ट में ऊपर मिल जाते तो ठीक है नहीं तो मैं आपको नेम सर्च करके यहाँ पे नहीं दिखाने वाली हूँ बेसिकली यहाँ पे नेम है सर का बहुत ज्यादा बड़ी लिस्ट है ये भाई जी काफी बड़ी लिस्ट है लेकिन इसमें हमको ऑफ़ फेम मिला है नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम चाहें तो इसकी वलम्बिटी द्वारा भी चेक कर सकते हैं एक हमारा ऑफ़ फेम ओपन रिडायरेक्शन के अंदर है ओके लेट मी चेक अगर ये लिस्ट छोटी मिली तो और नेम मिल गया जल्दी तो बेहतर रहेगा आई थिंक जब मैंने ये पीपीटी बनाई तो मैंने डेट लिखना भूल गई डेट इसमें रिकमेंडेड होता मैंने डेट डाली होती तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती मतलब उससे ज्यादा जल्दी हमको लिस्ट में पता चल जाता कि कौन सी डेट में तो कौन सा किस टाइम पे ये रिपोर्ट करी गई थी तो इजीली यहाँ पे हम फाइंड आउट कर पाते काफी बड़ी ये लिस्ट है ये भी मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ ओके <laughs> <Okay. laughs> तो बेसिकली ओवरऑल कहने का है कि हमने सारी वलनबिटी देखी और यहाँ पे ये तो देखो यहाँ पे इस यू के अंदर ये तो अभी रिसेंट का ही है क्राउड के अंदर इस यू के अंदर ही नेम आपको दिख रहा है तो फिर भी मैं आपको दिखाई देती हूँ मतलब, हमारे यहाँ मतलब नीतीश सर ने जो हमारा बग बाउंटी का रहता है वो नीतीश सर ही हैंडल करते हैं <laughs> और उन्होंने काफी सारे होल ऑफ फेम रिवार इस फील्ड के अंदर अचीव करे हैं तो देखो यहाँ पे बेसिकली uh, सर का यहाँ पे ये यह हमारे बेसिकली अभी रिसेंट का ही था और यहाँ पे सिंह नीतिश ट्वेंटी वन आपको दिख रहा है तो uh, ये भी uh, एक हॉल ऑफ फेम नितेश सर की अचीवमेंट ही है तो <coughs> सर्वर सिक्योरिटी मिसकॉन्फिग्रेशन और एक ब्लाइंड एक्सेस है और इसके अंदर क्या है हॉल ऑफ फेम एक देख लेते हैं अब जब आ, आ, हमारे डिस्कोर्ट चैनल से कनेक्ट हो गए तो आपको पता चल जाएगा वहां पे काफी सारी नीतिश सर की अचीवमेंट्स को आ, दि, दिखाया भी जाता है तो यहाँ पे देखो इनके नितेश सिंह यहाँ पे हॉल ऑफ फेम ठीक है और साथ में लिंक को भी टैग कर रखा है मैं चाहूँ तो यहाँ पे उनके लिंक इन प्रोफाइल के लिए, के ऊपर आपको लेके जा सकती हूँ ठीक है जो अभी अभी मैंने आपको शो भी करी थी और हॉल ऑफ फेम एक और हमारा है ये इंफॉर्मेशन डिस्कलोजर में बेसिकली uh, मेरे ये हॉल ऑफ फेम आप सबको दिखाने का यही मोटिव था कि uh, इस फील्ड के अंदर किस तरह की चीजें होती है होलोफेम क्या होता है और किस तरीके से ये वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट करी जाती हैं और इसमें मतलब कितना बढ़िया करियर भी हो सकता है इन होलोफेम्स देखिए अगर किसी की प्रोफाइल ऐसे होलोफेम उसके मतलब तो काफी अच्छे हैं तो ऑफ ऑफकोर्स जो पैकेज हाइक है वो अच्छा खासा चला जाता है ठीक है <clears throat> इसके बेसिस पे एक सिर्फ सर्टिफिकेशन बेसिस पे तो थोड़ा मतलब इतना बहुत ज्यादा तो नहीं होगा मतलब बहुत कम भी नहीं होगा पर बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन होल ऑफ फेम और ये रिवॉर्ड के बेसिस पे इससे ये पता चलता है कि कितनी अच्छी स्किल्स हैं और आप जब चाहे तो डिस्कोर्स चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो वहां से आपको गाइडेंस वगैरह भी मिलती रहेंगी हमारे लईको वेबिनार्स वगैरह या फिर जो प्रैक्टिकल हमारे वर्क बाउंड के जो वेबिनार्स वगैरह रहते हैं वो आते रहते कंडक्ट होते रहते हैं और हमारे कोर्सेज भी हैं इसके लिए जो नीतीश सर बग बाउंडी वगैरह में कराते हैं वो बग बाउंडी पेंटेस्टिंग को वही लीड करते हैं <coughs> ये तो छोटी लिस्ट है इसमें तो मिल ही जाएगा नहीं नहीं है मिल नहीं रहा मुझे नितिन नीतीश एक्चुअली आई थिंक लेट मी चेक दिस वन मिनट मे बी यहाँ पे मे बी यहाँ पे मैं देख नहीं पा रही हूँ होगा जरूर मे बी सर ने हो सकता है दूसरे नेम से कर दिया हो कई तो इसमें इस कई एक चीज ये होती है कि नेम जरूरी नहीं है जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह में हो हम किसी भी नेम से आ, हम कर सकते हैं नहीं ये नहीं है ये कोई डिफरेंट ही पर्सन है ओके यहाँ पे आई थिंक या तो बाय मिस्टेक मुझसे गलत यू आर एल यहाँ पे कॉपी हुआ है हो सकता है तो बेसिकली ये सारी चीजें थी जो मुझे आज के सेशन में बतानी थी फैशा की कि हमने मतलब हमारे क्या क्या अचीवमेंट रही हैं इस फील्ड के अंदर और Um, किस तरीके से भगवानी वगैरह का uh, पाथ रहता है। किस तरीके से हम इसके करियर बना सकते हैं अच्छा खासा करियर बनता है, होल के लिए और uh, sorry, uh, ये जो होलो फेम्स या फिर कुछ मैंने आपको दिखाए है ये बहुत कम थी मतलब अगर मैं सारी यहाँ पे लेके बैठती तो मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता वो अः uh, होलो फेम ही ये बहुत कम लिए गए हैं ऑफ फेम ही बहुत सारे हैं इनके अलावा और वलनबिटी कितनी रिपोर्ट करी गई है वो बहुत ज्यादा ही है बहुत ही ज्यादा है तो वो सारी मैं आपको दिखा नहीं पाई बट ओवरऑल इस फील्ड में अच्छी आज के टाइम पे बहुत अच्छा करियर हाइक है हम इसमें लाइक एंट्री ले सकते हैं और अच्छा करियर बना सकते हैं और अगर आप सबको uh, कोई भी इंफॉर्मेशन uh, की नीड है और किसी भी तरीके की कोर्स में इनरोल होना है तो आप हमारे डिस्कोर्ड uh, ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं वहां पे आपको करियर गाइडेंस मिल जाएगी तो दिसबडी